बिरकुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के अंतर्गत जितने भी स्टूडेंट का सत्र स्नातक सत्र 2024 से 2028 है, जैसे कि आप लोग अपना बीए बीएससी बीकॉम सेमेस्टर वन का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जो देखेगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप लोग सोशल मीडिया ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो नीचे के डिस्क्रिप्शन में उसमें आप लोग को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग साइन से जुड़ सकते हैं ताकि आप लोग को एग्जामिनेशन टाइम हेल्प किया जा सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि आप लोग कैसे पता कीजिएगा कि आप लोगों का कागजात जो है वो सत्यापन हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। यदि आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है तो आप लोग का एडमिट कार्ड जो है वो जारी नहीं किया जाएगा, या आप लोग को यूनिवर्सिटी की तरफ से सख्त निर्देश जो है वह दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, साफ साफ यहाँ पर मैंसन किया गया है कि यदि आप लोग अपना डॉक्यूमेंट सत्यापित नहीं करवाते हैं, आप लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं अपने कॉलेज से, तो आप लोगों का जो है वो एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र जारी जो है वो नहीं किया जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट का जिम्मेवारी बनता है कि आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के तत्पश्चात आप अपने कॉलेज में जाकर आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर करवाइएगा। डॉक्यूमेंट कैसे वेरिफिकेशन होगा, साथ ही साथ आप लोगों को डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, इस पर आप लोगों को सेपरेट वीडियो जो है बना दिया गया है। आप लोग इसी चैनल के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो के अंत में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ आप लोग प्लेलिस्ट में भी चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों को सिंपली क्या करना है कि कैसे आप लोग जानिएगा कि आप लोग का डॉक्यूमेंट सत्यापित हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए आप लोगों को सिंपली क्या करना है कि आप अपना लॉगिन आईडी डाल के आप अपना लॉगिन कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के आप लोग लॉगिन करते हैं तो आप लोग सामने इस तरह का इंटरफेस जो है वो देखने को मिलेगा। नहीं, आप लोग लॉगिन कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग को दिखाई देगा साइड में आप लोग को एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है। इस पर आप लोग जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप लोग सामने इस तरह का इंटरफेस जो है देखने को मिलेगा। सीरियल नंबर, उसके बाद ईयर, उसके बाद यहाँ पर कोर्स कोड और नेम, उसके बाद यहाँ पर सेमेस्टर ईयर आप लोग को दिया रहेगा, उसके बाद टाइप दिया रहेगा, उसके बाद वेरिफिकेशन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वेरिफिकेशन जहाँ लिखा है वहाँ पे यदि आप लोग का नो दिख रहा है तो यहाँ पे आप लोग समझ जाइए कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो नहीं हो पाया है। जब तक यहाँ पे आप लोग को यस नहीं होगा तब तक यहाँ पे आप लोग को एडमिट कार्ड जो है जनरेट नहीं किया जाएगा, यह आप सभी स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग चेकआउट यहाँ से आसानी से कर सकते हैं कि आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है, आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी होगा या नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल हुआ होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के बसते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।